नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में, एलके ऑल इन वन चैनल। दोस्तों आज जिस विषय में मैं आपके साथ बात करने जा रही हूँ इस वीडियो में, वह है चाय पत्ती के बारे में। सबके घरों में चाय पत्ती बनती है, किसी के घर में एक समय, दो समय, तीन बार, चार बार, कईयों के घर में पाँच बार। पर दोस्तों जब हम चाय बनाते हैं तो जो हमारी चाय पत्ती बचती है हम उसको फेंक देते हैं, हम उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं, उसको एक बहुत ही बेकार सी चीज़ समझते हैं हम और हमें लगता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है तो इसीलिए इसको फेंक दो डस्टबिन में। पर दोस्तों आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ बची हुई चाय पत्ती के बारे में, तो फिर आप कभी भी जो है नहीं फेंकेंगे। और आपको ये लगता रहेगा कि अगर हमें पहले पता होता ये सब बातों का तो इतने सालों से जो हम चाय पत्ती अपनी जो बेकार समझते थे तो आप पछताएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, अब आप ना पछताएं। तो अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि क्या फ़ायदे हैं बची हुई चाय पत्ती के। हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारा वीडियो जो है आप देखते रहिए। हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बेकार सी चीज़ मत समझिए इस चाय पत्ती को, बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। सबसे पहले तो दोस्तों ये बालों के लिए बहुत ही अच्छा कंडीशनर का काम करती है, बहुत अच्छे कंडीशनर का काम करती है। अगर आपने अपने बालों को नरम बनाना है, मुलायम बनाना है, चमकदार बनाना है तो आपने क्या करना है, आपने मेहंदी में आंवले का पाउडर मिलाना है और उसमें जो उबली हुई चाय पत्ती आपकी बची हुई है आपने उसको भिगो देना है मेहंदी में। रात को आपने भिगो देना है सारी रात, सुबह आपने उठकर उसको लगा लेना है, बालों में नई जान आ जाएगी आपके। केवल इतना ही नहीं, चाय पत्ती का पानी जो है एक बहुत ही बेहतरीन कंडीशनर का काम करता है। अगर हम चाय पत्ती के पानी का इस्तेमाल करते हैं अपने बाल धोने में तो जो हमारे बाल हैं वे बहुत ही चमकदार बन जाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। यही नहीं दोस्तों, अगर आपके काले घेरे हैं, डार्क सर्कल्स हो गए हैं आपकी आंखों के आसपास तो आपने क्या करना है, टी बैग्स होते हैं जो आप टी बैग्स यूज़ कर चुके हो, आपने उसमें जो उबली हुई चाय पत्ती बची है उसको डालना है, धोकर डालना है और आपने उसको अपनी आंखों पे रखना है, तो इसमें जो डार्क सर्कल्स हैं उसमें आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों काबुली चने जो हैं सबके घर में बनते हैं, सबको बहुत पसंद हैं खाने में वह काबुली चने। पर दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि जो आपने चने बनाए हैं उसका स्वाद और अच्छा हो जाए, उसकी रंगत और अच्छी हो जाए, तो दोस्तों आपने चाय पत्ती का इस्तेमाल करना है। आपने जो चाय पत्ती है आपने उसकी पोटली बना देनी है एक, और आपने उसमें जब आपने चने उबालने हैं आपने उबालते समय उसमें डाल देना है तो आपके जो चने की रंगत है बहुत ही अच्छी हो जाएगी। बरसात के मौसम में मक्खियाँ बहुत परेशान करती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सबको ही रहता है कि मक्खियों को कैसे दूर भगाएं, तो चाय पत्ती इस काम भी आती है। जिस जगह पर अपने घर में आपको लगता है कि बहुत सारी मक्खियां हैं तो आपने वहां पर अच्छे से चाय पत्ती रगड़ देनी है तो मक्खियां वहां पर कभी नहीं आएंगी। दोस्तों चाय पत्ती जो है इंसानों के लिए तो अच्छी ही है, लेकिन जो चाय पत्ती है वह पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छा काम करती है, एक खाद का काम करती है, खासतौर पर मनी प्लांट के लिए और गुलाब के लिए। अगर आप गुलाब के पौधे में या मनी प्लांट में चाय पत्ती डालते हैं दोस्तों, वो उसको पोषण देती है और वो सदा खिले खिले रहेंगे। जो ये पौधे हैं मनी प्लांट का और गुलाब का, सदा खिला खिला रहेगा। दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट्स गुण होते हैं उबली हुई चाय पत्ती में। उबली हुई चाय पत्ती को आपने क्या करना है, अच्छे तरह से धो लेना है। इसे आप घाव पर लगा सकते हैं, तो जब आप इसे घाव पर लगाएंगे तो आपका जो घाव है वह जल्दी भर जाएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपने मतलब घाव जो है उस पर चाय पत्ती ना लगाएं, नहीं लगानी, तो आपने क्या करना है, उबली हुई चाय पत्ती को आपने धोना है, उसको फिर से उबाल लेना है, उस पानी से जो है आप घाव पर धोएं, घाव को जल्दी भर जाएगा आपका घाव। यही नहीं दोस्तों, जो उबली हुई चाय पत्ती है उसको आप फिर से उबालें और जो उसका पानी आप छान के रखें एक स्प्रे बॉटल में, और जब आप इस स्प्रे बॉटल में जो चाय पत्ती का पानी है उसे आप अपने फर्नीचर को साफ़ करेंगे तो आपका जो फर्नीचर है दोस्तों वह चमक उठेगा। तो देखा दोस्तों कितने फ़ायदे हैं एक चाय पत्ती के, जो कि बची हुई चाय पत्ती के, और आप जो हैं उसको फेंकते रहते थे। तो शायद दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप मजबूर हो जाएंगे कि चाय पत्ती को ना फेंकें बल्कि उसको इस्तेमाल करें। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और देखते रहिए हमारा चैनल LK All in One चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।